तो गाइज मम्मी ने अभी एक बिस्किट का नाम लिया है। नाम क्या? बिस्किट को डिफाइन करने का कोशिश किया है, मुझे तो समझ में नहीं आया। तुम्हें अगर समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वो बिस्किट का डेफिनेशन हुआ, सुनो, कौन सा बिस्किट? सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आकाश व्लॉग। और आज अगला दिन है, यानी आज है 17 अगस्त। और गुड मॉर्निंग सभी को। अभी मैं उठा हूँ अपना ब्रश व्रश कम्प्लीट करके, तो मम्मी ने मुझे यहाँ पर अभी ऊपर कपड़ा डालने के लिए बोला है, तो वही कपड़ा लेके जाना है ऊपर डालने के लिए, तो ले चलता हूँ। और ये भी अभी ब्रश कर रही है। सो गाइज मैंने यहाँ पर कपड़े डाल दिए हैं और पंछियों के लिए पानी भी रख दिया है। गाइज तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पंछियों के लिए पानी रख दिया करो, उनको भी तो प्यास लगता होगा। और यहाँ मैं जैसे रखता हूँ, यहाँ पर डेली पंछियाँ आती रहती है। ये देखो ऊपर में है, अभी मैं जाऊँगा तो ये लोग पानी पीने भी आ जाएंगे। सो गाइस कपड़े डालने के एक घंटे बाद मैं वापस से आ चुका हूँ, क्योंकि ये देखो तुम मौसम अजीब सा बारिश का, वहाँ पे ठीक है तब भी, लेकिन यहाँ पे जहाँ से हवा आ रहा है ये देखो, और इस बादल का इंटेंसिटी देख के लग रहा है कि यहाँ पे बारिश होने वाला है। और गाइज ये देखो, जैसे ही मैंने कपड़े को उतार लिया यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गया है। मैं अगर नीचे दिखाओ, जैसे ही मैंने उतारा वैसे ही बारिश स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं, तो चलते हैं नीचे की तरफ। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं शाम के टाइम पे छत पे, और अभी का वेदर बहुत ही अच्छा हुआ पड़ा है। पता नहीं बीच में दोपहर को बारिश हो रहा, फिर थोड़ी देर में धूप हो रहा, फिर बारिश हो रहा, फिर धूप हो रहा, ये देखो भीजा हुआ है। पर अभी का मौसम बहुत 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 ही अच्छा है, हवा भी बहुत अच्छा चल रहा है। अगर पेड़ में दिखाओ तो पेड़ तुम्हें दिख रहा होगा हिलते हुए, अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। और कमेंट सेक्शन में तुम ये बता सकते हो कि मैं आगे का व्लॉग में क्या कंटेंट लाओ, कुछ चैलेंज लाओ, या फिर ऐसी फैमिली के लिए दिखाओ, या फिर मैं कहीं जाके ट्रैवल, यानी कोलकाता में हूँ तो बहुत बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम जाके दिखा सकते हैं लोकेशन, जैसे विक्टोरिया हुआ या और कुछ हुआ, तो तुम वो कमेंट में ज़रूर बताओ मुझे। सो गाइस ये देखो, ये सूता यहाँ से जाके गाछ पे अटका था और हम लोगों के घर के ठीक ऊपर से जा रहा था, तो कैसे भी ट्राई करके मेरे हाथ में ये पतंग आ ही गया। तो गाइस आखिरकार पतंग मिल गया, ये देखो। और पतंग भी अच्छा है अपना, एक जगह स्टेबल है और आसपास कोई है भी नहीं अभी जिससे मैं पेज लड़ सकूं, तो अभी इसे मैं उतार लेता हूँ, कोई है नहीं और बारिश का भी कोई गारंटी नहीं है कब बारिश आ जाए, और ये मुझे एक हाथ से उड़ाना पड़ रहा है इसे। तो फाइनली गाइज यही है वो पतंग, अगर मैं इसे उड़ाता तो ये देखो भीगा हुआ है थोड़ा थोड़ा करके और ऊपर थोड़ा फट चुका है, तो अगर मैं इसे हवा में उड़ाता तो ये फट जाता। सो गाइज फाइनली काइट हमारी पतंग जो है वो जा चुकी है हमारी पतंग की कलेक्शन में, जिसको हम पूजा में उड़ाते हैं एक बार में ही, और कभी कभी तो रखे रखे ही फट जाती है, उतना टाइम नहीं मिलता, तो कलेक्शन में अभी हमारे पास बहुत ही है। ये देख सकते हो, ये देखो रहते रहते फट जाता है, तो अभी इतना हुआ है। और पतंग अब बहुत जल्दी उड़ाना भी है, इस टाइम आ रहा है, और इसे मैं अपने पूजा घर में भी रखता हूँ, ये हमारे पूजा घर में ही मैं इसे कलेक्ट करके रखता हूँ। और यहाँ पे भी छत है तो इजी एक्सेस हो जाता है, जब कभी उड़ाना हो यहाँ से लेकर यहाँ पर उड़ा लो। तो गाइज मम्मी ने अभी एक बिस्किट का नाम लिया है। नाम क्या? बिस्किट को डिफाइन करने का कोशिश किया है, मुझे तो समझ में नहीं आया, तुम्हें अगर समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वो बिस्किट का डेफिनेशन हुआ, सुनो, कौन सा बिस्किट? बोल क्रीम जिगदर।
क्रीम जिग जैग। तो गाइज अगर तुम्हें क्रीम जिग जैग बिस्किट पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं भी चेकआउट करूंगा कि वो क्रीम जिग जैग कौन सा बिस्कुट है। तो गाइज सामने में एक पतंग गिरा हुआ है तो मुझे उसको लेना है, उसको लेने के लिए पहले यहाँ से टाप कर वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो गाइज अभी बज रहे रात के 11:30 और शाम से बैठ बैठ के और एडिटिंग कर करके मैं बोर हो चुका हूँ, तो अब बहुत नींद लग रहा है। तो आशा करता हूँ तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।